फ्रेंड्स, मेरे आज के इस वीलॉग में हम करने जा रहे हैं सफर वर्ल्ड की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन राइड के ऊपर, जो शुरू होती है साउथ ऑफ ग्वांगझोउ स्टेशन से, जो कि चाइना के साउथ में है, और खत्म होती है अप नॉर्थ बीजिंग में, जो कि 2300 किलोमीटर दूर है ग्वांगझोउ स्टेशन से। ये 2300 किलोमीटर की जर्नी को हम इस ट्रेन में पूरा करेंगे सिर्फ 7 घंटों के अंदर। हमारे इंडिया में भी दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक की जो दूरी है वो भी 2300 प्लस किलोमीटर की है, या इसके अंदाजन सेम डिस्टेंस है, लेकिन इंडिया में इसको पूरा करने में हमें लगते हैं 34 घंटे। और ये उस रूट पे सबसे फास्टेस्ट चलने वाली ट्रेन जो कि राजधानी है वो 34 घंटे लेती है, और बाकी ट्रेन तो 40 प्लस घंटे भी लेती हैं। तो ये देखेंगे हम डिफरेंस कि इंडियन रेलवेज में और चाइनीज रेलवे में क्या डिफरेंस है, प्लस हम ये देखेंगे कि अगर बुलेट ट्रेन जब 2022 में जब ये इंडिया में आ जाएगी अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में, तो क्या ये वही एक्सपीरियंस देने वाली है कि जो एक्सपीरियंस हमें आज चाइना में मिलने वाला है। तो चलिए मेरे इस व्लॉग में शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ग्वांगझोउ साउथ स्टेशन पे। यहाँ से हम अपनी बुलेट ट्रेन लेने वाले हैं बीजिंग के लिए। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग है, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे अपनी ट्रेन चलने से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो सेम सिक्योरिटी और चेक इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है जो कि एयरपोर्ट पे फॉलो होते हैं। और यहाँ पर आपको तभी प्लेटफॉर्म पे जाना दिया जाता है जब आपकी ट्रेन का टाइम हो, बिल्कुल फ्लाइट की तरह। अब हम पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म लेवल पे, क्योंकि हमारी ट्रेन की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेन की बोर्डिंग ट्रेन चलने से आधा घंटा पहले शुरू की जाती है। इस ट्रेन में भी 3 क्लासेस हैं ट्रैवल करने के लिए, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। मोस्टली इस ट्रेन में ज़्यादा डिब्बे जो है वो इकोनॉमी क्लास के हैं, जो कि 3x2 सीटिंग के साथ है, और जो बिजनेस क्लास है उसमें 2x2 सीटिंग है, और फर्स्ट क्लास में 1x1 सीटिंग। अपने समय अनुसार सुबह 10 बजे ये ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम अपने स्टेशन ग्वांगझोउ साउथ से बीजिंग के लिए रवाना हो चुकी है। चाइना की बात तो माननी पड़ेगी, 1 मिनट भी ट्रेन लेट नहीं हुई। और आप सफाई देखिए कितनी बेहतरीन है, ये ट्रैक्स कितने साफ दिख रहे हैं ये। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था ट्रेन में चलने से पहले, तो मुझे ट्रेन ऑफिशियल या TT ने आके मना किया है कि सर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते ट्रेन के अंदर ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। आप फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन आप वीडियो ब्लॉग्स या वीडियो कॉलिंग ये आप नहीं कर सकते चाइना के अंदर, स्पेशली ट्रेन के अंदर। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन रूल्स हैं तो मुझे फॉलो करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियो बनाइए, अगर कुछ इश्यू होगा या अगर TT आएगा तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, आप अपना मोबाइल बंद कर देना। चाइना में 3 टाइप की बुलेट ट्रेन चलती हैं, जी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं वो जी कैटेगरी है, जो कहीं नहीं रुकती। सी कैटेगरी ट्रेन कम स्टॉपेजेस पे रुकती हैं और डी कैटेगरी काफ़ी स्टॉपेजेस पे रुकती हैं। हमारी कोच नंबर 11 है, जो कि एक इकोनॉमी क्लास कोच है। इसका किराया इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 9000 रुपये है, 9000 रुपीज़। CRH का मतलब है चाइना रेल हाई स्पीड, और हमारी ट्रेन का नंबर है G66। हमारा अगला स्टेशन दिखा रही है बीजिंग, क्योंकि इकलौता मात्र स्टेशन बीजिंग ही है जहाँ हम जाने वाले हैं। डेस्टिनेशन भी वही है और हमारा स्टेशन भी वही है। अब ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है और ये सिटी से बाहर निकल रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि ये पूरा रास्ता एक एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर बना हुआ है। मतलब किसी भी पल के लिए ट्रेन ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगी और पूरी जर्नी एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर ही पूरी करेगी। इस पूरी जर्नी में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मैंने ये बॉटल स्पेशली विंडो पेन के ऊपर रखी हुई है, आपको ये दिखाने के लिए कि कितनी स्पीड पे भी ये ट्रेन चले पानी की बॉटल बिल्कुल स्टेबल रहेगी। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, इस ट्रेन ने अपनी मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड जो कि 305 किलोमीटर पर आर की है वो अटेन कर ली है, और अभी भी ये ट्रेन इतनी स्मूथ है कि आपको बाहर से कोई आवाज़ अंदर नहीं आ रही।
देखिए इस पानी की बॉटल को कितनी स्टेबल है, और बाहर का मौसम भी देखिए, ये ट्रेन पहाड़ों से कितने प्यार से निकल रही है। कि इंडिया में ट्रेन को स्लो होना पड़ता है जब भी वो पहाड़ों को क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ स्पीड का कोई इशू नहीं है, चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन हो, ये ट्रेन एक ही स्पीड में भागेगी। चाइना का कंट्री साइड बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यूरोप में या स्विस वैलीज के अंदर आप ट्रेन में जा रहे हैं। चलिए मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ बाकी की। ये डोर सजा से बंद रहे हैं, अब हम डिब्बा क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आपको देखिए कोई आवाज़ नहीं है कि डिब्बा क्रॉस करते हुए। ये डोर्स ऑटोमेटिक है, ये अपने आप खुल जाते हैं जब कोई सामने से आने वाला हो। ये जो कोच मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक 3x2 सीटिंग वाला कोच, इकोनॉमी क्लास का। ऐसा सेम कोच मेरा है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये कोच ख़त्म हो गया और अब हम जा रहे हैं पेंट्री कार की तरफ। ये पेंट्री कार कम सीटिंग रेस्टोरेंट है, डाइनिंग रेस्टोरेंट है। देखिए यहाँ भी कुछ लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है और ये लोग अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। और ये आ गया डाइनिंग कार। ये है डाइनिंग कार। यहाँ पे मैं आया हूँ एक छोटे से जूस ब्रेक के लिए। बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही शानदार डाइनिंग कार है ये। देखिए कितना सुंदर है चाइना, ब्यूटीफुल। चाइना के एक स्मॉल टाउन को क्रॉस करते हुए पीछे बैकड्रॉप में हिल्स देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये है मेरा लंच जो इस ट्रेन में मैंने लिया है, क्योंकि ये ट्रेन के टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में शताब्दी और राजधानी में आपको टिकट के अंदर ही आपके सारे मील्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ये 30 yuan मतलब 300 रुपये में ये मील लेना पड़ा, जो कि चिकन, स्टीम्ड राइस, पिकल्ड कैबेज और कुछ वेजिटेबल के साथ है। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब हम अगले 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं बीजिंग स्टेशन पे। ये जर्नी 2300 किलोमीटर की हमने पूरी की है मात्र 7 घंटों में। अगर आपको आज का मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू।